भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में भोपाल में पहली बार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 10 जून से 14 जून तक 2 बजे से 5 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन नरेला विधानसभा अंतर्गत पीपुल्स मॉल के पीछे करोन स्थित 55 एकड़ मैदान में होगा। कथा में देश भर से लगभग 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। कथा स्थल पर सभी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 50,000 वर्ग फीट में 3 वाटरप्रूफ डोम लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कथा स्थल के समीप ही 200 एकड़ के क्षेत्र में वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। दो बार इस पूरे आयोजन में पूरी तरह प्रशासन का समन्वय है। हम दो बार उच्च अधिकारियों के साथ कथा स्थल का दौरा कर चुके हैं और जो भी लेआउट प्लान समिति ने बनाया है उसको प्रशासन का अप्रूवल मिला है। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि जो बाकी पहले के आयोजन हैं उसमें दो बात को लेकर बहुत परेशानी हुई थी। एक तो पार्किंग, इसीलिए हमने 13 स्थान चयनित किए हैं जो कि कथा स्थल के चारों तरफ है, उसकी पूरी पेरिफेरी में है। अलग अलग स्थानों से लोग आएँ और उनकी गाड़ी पार्क दूर हो सके। यदि कोई स्थान 2 किलोमीटर से दूर है तो वहाँ पर हम अपनी बसें रखेंगे, पर श्रद्धालुओं की जिस साधन है उसको वहीं पर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही रोकेंगे और अपनी बसों से उनको हम कथा स्थल तक लाएंगे। पहले तो पार्किंग की समस्या के निदान के लिए हमने ये उपाय किया है। दूसरा, आयोजन में पेयजल को लेकर बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो जैसा मैंने कहा कि समिति की ओर से तो हम 1,000 पेयजल के स्थान बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ भोपाल शहर की लगभग 250 संस्थाएं इस काम में हमारा सहयोग कर रही हैं, तो ये 250 स्टॉल अलग से रहेंगे पेयजल के। तीसरी जो बात है, जो माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का एक बड़ा आकर्षण है, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण, और दोनों आयोजन जो हुए हैं पहले के उसमें रुद्राक्ष वितरण को लेकर थोड़ी असुविधाएं हुई हैं, इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि हम प्रदीप मिश्रा जी से रुद्राक्ष तो अभिमंत्रित कराएंगे, पर हम वो रुद्राक्ष का वितरण कथा में नहीं करेंगे। कथा के बाद हम उन जो 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 श्रद्धालु इस रुद्राक्ष के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके घर पर हम ये रुद्राक्ष वितरित करवाएंगे। हमने हम उसको जरूर पहुंचवाएंगे, हम उसको कोरियर से या डाक से पहुंचाएंगे, और भोपाल के जो श्रद्धालु इसमें पंजीयन करेंगे उनको समिति के सदस्य स्वयं घर जाकर कथा के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद हम उनको ये रुद्राक्ष उनके घर पर ही उपलब्ध कराएंगे। हमने एक मिस्ड कॉल भी दिया है और QR कोड के माध्यम से रुद्राक्ष का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।